हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन ज्ञान यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं सौरभ एक बार फिर आपके साथ। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन राइट्स, HRG हम शॉर्टकट में इसको कहते हैं, ठीक है। ह्यूमन राइट्स जेंडर एंड एनवायरनमेंट, ये भी सेकंड ईयर की है SOL की, इसे आज हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। और हाँ, आपको इसके नोट्स भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारी वेबसाइट का, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब वीडियो पूरी समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद नोट्स की भी व्यवस्था करवाई जाएगी, ठीक है। PDF आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर। चैप्टर का नाम है हमारा विभिन्न श्रेणी के रूप में जाति। जाति को हाँ हमने काफ़ी श्रेणियों के रूप में दर्शाया है, जितनी भी जाति थी उनको यहाँ बताया गया है, साथ साथ में लिंग यानी कि जेंडर और निर्जातीयता एवं वर्ग तथा उसके अंतर संबंध को हमने यहाँ पे स्पष्ट किया है। पहले चैप्टर में हमारा यही है। इसमें मुख्य रूप से आता है जाति यानी कास्ट, इसमें कास्ट समझाई गई है क्या है। प्राचीन वर्ण व्यवस्था यानी कि पहले के टाइम में जो वर्ण व्यवस्था थी वो काफ़ी ज़्यादा ही खराब थी, ठीक है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। जाति व्यवस्था ने भारत में जो है कई प्रकार के सामाजिक बुराइयों को उत्पन्न किया। किसने? सिर्फ जाति व्यवस्था ने। समाज में इसने काफ़ी सारी बुराई उत्पन्न की है, जैसे कि उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों के शोषण को नियंत्रण बनाए रखा है। जो ऊंची जाति के लोग थे वो निची जाति के लोगों का हमेशा से शोषण करते आए हैं। आज जाति व्यवस्था जो है भारतीय समाज के लिए एक अभिशाप बन चुकी है। जैसे कि किसी ने श्राप दे दिया हो और वो पहले से चलता रहा है, आज भी वो चलता ही जा रहा है, वो हट नहीं पा रहा है समाज में से, ठीक है। इस तरह से जाति व्यवस्था को जो है तीन स्तरों में देखा जा सकता है। पहले स्तर में वे लोग आते हैं जो सामाजिक दृष्टि से सबसे ऊपर स्तर पर हैं, जिन्हें हम एक्चुअल में ब्राह्मण कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे ऊपर उनको ही दर्शाया गया है, जनरल कास्ट वालों को। और साथ साथ ही और ये लोग जो है शक्ति विशेष अधिकार संपन्न, इनके पास मतलब शक्ति भी होती है, विशेष अधिकार भी हैं, और ये लोग अपनी झूठी शान में रहते हैं। ये बुक से लेने मेरी लाइन नहीं है, ठीक है। दूसरा आता है इसमें मध्य स्तर पे वो लोग आते हैं, इसमें वो लोग शामिल हैं जो अपनी आजीविका और यानी अपना जीवन चलाने के लिए और साथ साथ ही पैसे और कार्य से जाने जाते हैं, ठीक है। ये आता है सेकंड वर्ग। और उसके बाद आता है अन्य पिछड़ा वर्ग है, OBC माना जाता है। तीसरे नंबर पर आता है निम्न स्तर पे वो लोग आते हैं, मतलब सबसे नीचे स्तर, ठीक है। इसमें वो लोग आते हैं जिनकी कोई सामाजिक हस्ती नहीं है, इनके पास संपत्ति भी नहीं होती, आर्थिक शक्ति भी नहीं होती, यानी कि पैसा वगैरह भी नहीं होते, इनके पास जमीन जायदाद नहीं होती है। और साथ साथ ही इस प्रकार भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का प्रमुख लक्षण उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों के शोषण के रूप में है, यानी कि जो पहले की दो जाति थी उनमें इनके पास उनके जैसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि ये जाति जो है निम्न जाति, ये ऐसा कहा जाता है कि बाकी दो जातियों की सेवा करें, बाकी जो दो कास्ट ऊपर गई हैं, ठीक है, जो क्लास ऊपर गई हैं फिलहाल, ठीक है। इतना ही था इसके अंदर। बाकी नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जाति बोध यानी अंडरस्टैंडिंग कास्ट, इसको समझना। ऐसे ही यहाँ पर देखिए इसमें तीन चिंतक हैं जिन्होंने अपने अपने विचार स्पष्ट किए हैं, और आप इनको लिखिए, हाईलाइट जरूर कीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है, एग्जाम में। तो एंथनी गिडेंस है सबसे पहले, इन्होंने जो है स्पष्ट किया है कि स्त्रीकरण के ऐसे रूप में परिभाषित किया है जाति को जिसमें व्यक्ति जो है सामाजिक स्थिति में जन्म लेता है, यानी कि जिस जौन सी जाति में व्यक्ति पैदा होता है वो उसी जाति में रहेगा, उसे बदलाव नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये कहते हैं एंथनी। साथ साथ ही समाज एवं राज्य का तंत्र जाति के चारों ओर ही घूमता रहता है। और डर्क हैं दूसरे, इन्होंने कहा है कि जाति प्राचीन भारत का कोई अपरिवर्तनीय तत्व नहीं है, यानी कि इसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये डर्क कहते हैं, ठीक है, इसे काट दीजिए। यह एक सभ्यता के मूल्यों को प्रतिबंधित करती है, प्रतिबंधित मतलब होता है रिफ्लेक्टेड, ठीक है, रिफ्लेक्टेड करती है। यह एक आधुनिक परिघटना है जो भारत एवं पाश्चात्य औपनिवेशिक शासन के टकराव का एक परिणाम है, ठीक है। तीसरे चिंतक आते हैं हमारे श्रीनिवास। श्रीनिवास के अनुसार जो है भारत में जाति व्यवस्था की स्थिति एवं निरंतरता को बनाए रखने वाले लक्षणों को ढूंढने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तीनों ने अपने अपने हित रख दिए हैं और ये भी मैंने आपके सामने रख दिए हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है इसी के अंदर है चैप्टर सारे ही, क्योंकि बीच में से कई बार पूछ सकता है कि जैसे वर्ग क्या होता है, वर्ग अभी हम बात करेंगे क्या होता है, ठीक है। भारतीय समाज में विशेष वर्ग पर जाति का प्रभाव। उच्च वर्ग जिसमें ब्राह्मण एवं क्षत्रिय आते हैं, ठीक है, ये दो उच्च वर्ग बताए गए हैं यहाँ पे, तथा निम्न वर्ग यानी छोटा वर्ग जो है दलित वर्ग, ठीक है, इसको दलित वर्ग भी कहा जाता है, जो जाति के सबसे निचले स्तर पर आते हैं। जाति प्रथा का प्रभाव जीवन में इनका काफ़ी रहा है। इसमें जो है जहाँ उच्च वर्ग की स्थिति काफ़ी मजबूत है वहीं पे निम्न वर्ग की स्थिति काफ़ी दयनीय है। दयनीय मतलब ऐसी दया करने वाली, कुछ सोचने वाली इस तरह से, ठीक है, वह दयनीय होती है जिसके ऊपर देख कर दया आए जिसे, ठीक है। जाति व्यवस्था ने जो है उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग के शोषण को नियंत्रण बनाए रखा है, यानी कि जो ऊंची जाति के लोग थे उन लोगों ने नीची जाति के लोगों को हमेशा
उन लोगों का शोषण किया, उनका दबा के रखा, उनको मतलब आगे बढ़ने ही नहीं दिया किसी भी उसमें, किसी भी लाइन में उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया उसको, चाहे फिर वो किसी भी तरीके की लाइन हो। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक चीज़ और आती है, महिला वर्ग। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें, महिला वर्ग। महिला यानी कोई सी भी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र, कोई सी वर्ग की महिला हो, इन पर भी जाति व्यवस्था गहरा प्रभाव रहा है। इसमें बस एक फर्क यह आया है कि जो ऊंची जाति की महिलाएं हैं वो सिर्फ रह तो सकती थी घर में, पर वो सिर्फ घर की चार दीवारियों के अंदर ही कैद थी, वो बाहर नहीं जा सकती थी। ठीक है, और उनको अपने आदमियों के अनुसार ही काम करना पड़ता था, मतलब उनके दबाव में रहना पड़ता था एक तरह से। ठीक है, ये चीज़ यहाँ महिला वर्ग की दर्शाई गई है। और बाकी जो महिला वर्ग दूसरा वाला है, यानी कि जो निचली जाति की महिलाएं हैं, तो उनके ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया जाता था, क्योंकि एक तो वो निचला वर्ग था, उनसे वैसे ही लोग वर्ग अछूत मानते थे उनको, उनको छूते तक नहीं थे। ठीक है, ये चीज़ उसके अंदर दर्शाई गई है, इसलिए इसमें उन वाले महिलाओं की स्थिति हम कह सकते हैं एक बार को थोड़ी ठीक है, क्योंकि वो कम से कम आज़ादी से रह सकते हैं, खुल सकते हैं, घूम सकते हैं, बाकी स्थिति दोनों की बेकार थी। जाति व्यवस्था उच्च जातियों के हाथों का एक उपकरण रहा है, उपकरण मतलब टूल, यानी कि कोई औजार रहा है, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने वर्चस्व को बनाए रखा, यानी कि जाति दिखा दिखा कर लोगों ने अपना दबाव को बनाए रखा, लोगों को ऊपर नहीं बढ़ने दिया, निम्न जाति के लोगों को। जाति व्यवस्था उच्च जातियों में, चाहे इनमें कोई गुण हो या फिर ना हो, निम्न जातियों द्वारा इसमें समान किए जाने की बात पर बल देते हैं, यानी कि उच्च जाति बेशक ठस्सी है बिल्कुल, उसमें कुछ भी नहीं है, उसके अंदर मतलब कोई ऐसी बुद्धि नहीं है, कुछ अलग चीज़ नहीं है, पर उसके बाद भी जो है निम्न जाति के लोग उच्च जाति को पूजेंगे, इस तरह यहाँ पर कहा गया है, उनका कहना मानेंगे। ठीक है, उन्हें श्रेष्ठ एवं पूजनीय भी बना देती है। संक्षेप में कहा जाए अगर शॉर्टकट में, तो जाति व्यवस्था उच्च जातियों को लोगों को अज्ञानता, गुणहीनता, गुणहीनता मतलब इसके अंदर गुण नहीं होता, इसके अंदर कोई कैप वो नहीं होती, किसी चीज़ को काम करने की क्षमता नहीं होती, समझ नहीं होती। ठीक है, एवं असमर्थता के बावजूद श्रेष्ठता की स्थिति प्रदान करती है, यानी कि नंबर वन स्थिति उसको प्रदान करती है। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का शोषण एवं दलित वर्ग पर भयंकर प्रभाव रहा है, दलित वर्ग के ऊपर ही सब कुछ बताया गया है, क्योंकि वही सबसे निम्न वर्ग यहाँ बताया गया है और वो उसको ही सबसे निम्न वर्ग कहा गया है। ठीक है, एक विशिष्ट प्रकार की जाति में जन्म लेने से ही उन्हें दलित मान लिया जाता है, पवित्रता एवं पवित्रता की दृष्टि से उन्हें पवित्र नहीं माना जाता, जैसे कि बाकी जो जाति हैं उनको पवित्र एक वर्ग को माना जाता है, इनको जो है पवित्र भी नहीं माना जाता है, वह जो है अस्पृश्य हो जाती हैं, यानी कि अछूत। ठीक है, अस्पृश्य मतलब होता है अछूत, उनको अछूत भी कहा जाता है। यह एक भीषण अपराध है, यह ना तो उच्च जातियों के साथ बैठ सकते हैं और ना ही किसी प्रकार की क्रिया कर सकते हैं जो सामाजिक क्रिया है। ठीक है, चाहे उच्च जाति की महिला हो या निम्न जाति की महिला, दोनों को ही जाति व्यवस्था ने उनकी स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। उच्च जाति की महिलाएं जो हैं पुरुष के अधीन जीने लगती हैं, यानी पुरुष जो कहेगा उसको वही करना पड़ेगा, उनके व्यक्तिवाद का विकास रुक जाता है, महिला का खुद का उसके दिमाग का विकास रुक जाता है, उनके व्यक्तिवाद का विकास रुक जाता है, महिला जो खुद करना चाहती है वो नहीं कर पाती, उन्हें निजी वस्तु अथवा घर की वस्तु समझ लिया जाता है, यानी कि वो सिर्फ घर की चार दीवारियों में कैद हो जाती हैं, उन्हें सुख सुविधाएं सारी मिली पर सिर्फ आज़ादी उनकी छीन ली गई, जिससे उनकी सारी सुख सुविधा शायद बेकार हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लिंग, जेंडर यानी कि। ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है कि बीच बीच में से टॉपिक पूछ लेता है वो, बाकी चैप्टर हमारा इम्पोर्टेंट है ये। लिंग एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय रचना है जिसका सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है और जो विश्व की आधी जनसंख्या की बात करती है। यह वह उपकरण है, यानी कि अब ये जो लिंक है ये एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से नारीवादी विचारक सदियों से महिला शोषण एवं उत्पीड़न का रहस्य प्रकट करते हैं, यानी कि जितनी महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हुए हैं नारीवादी, इसमें हम आगे पढ़ेंगे, हमारे बाद में चैप्टर में नारीवादी है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बाद में निपटाएंगे अच्छे से, विशेषकर जो है पुरुष प्रधान समाज में। पुरुष प्रधान समाज किसे कहते हैं, पितृसत्ता समाज को पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ दर्शाई गई है इसमें। लिंग का मतलब है देखिए इन दोनों के बीच भेदभाव करना, महिला और पुरुष के बीच में। ठीक है, ऐसे ही एक विचारक और हैं साइमन, साइमन ने ठीक ही कहा है कि कोई महिला जो है महिला के रूप में पैदा नहीं होती है, उसे समाज महिला बना देता है। ठीक है, ये साइमन ने कहा है। सैद्धांतिक रचना के रूप में लिंग जेंडर का निहितार्थ, निहितार्थ मतलब होता है छुपा हुआ अर्थ, हम इसको कह सकते हैं कि अर्थ भी कह सकते हैं सीधे से। ठीक है, सिर्फ सामाजिक लक्षण ही नहीं है जिसके आधार पर पुरुष एवं महिलाओं में भेद किया जाता है, उनका छुपा हुआ अर्थ पुरुष एवं स्त्री से है जो सामाजिक रूप में निर्मित होते हैं, यानी कि जो अब स्त्री, हम लिंग की अगर बात करें तो ये हमारे समाज के अनुसार बनाया गया है ये वर्ड जो है,
जैसे कि देखिए, जेंडर को सिर्फ सेक्स के संदर्भ में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जेंडर एवं सेक्स के बीच में जो है कुछ काफ़ी कुछ मौलिक अंतर हैं। उदाहरण के तौर पे सेक्स को जो है शारीरिक एवं शरीर वैज्ञानिक दृष्टि से परिभाषित किया गया है, यानी कि विज्ञान की नज़र में परिभाषित किया गया है। जो पुरुष एवं महिलाओं के शारीरिक भेद को स्पष्ट करता है, यानी कि पुरुष और महिलाओं के भेद को शरीर को अलग अलग करता है, ठीक है, इस चीज़ को दर्शाता है। दूसरी तरफ जेंडर का अर्थ ये होता है, यानी जेंडर के दो अर्थ निकाले गए हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा अर्थ ये होता है कि स्त्री एवं पुरुष के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर से है, ठीक है, ये समाज के अनुसार होता है दूसरा वाला। इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि पुरुष एवं स्त्री का जैव वैज्ञानिक भेद एक आरंभिक कहानी है, यानी कि ये शुरू की कहानी इसकी है, बाद में ऐसा शायद ना रहा हो। बाद में पुरुष एवं स्त्री के बीच में जो खाई बढ़ी वह सामाजिक तत्वों का नतीजा है, यानी कि जो सामाजिक तत्व थे उनकी वजह से, उन सामाजिक के परिवर्तन का नतीजा है, जिसने समाज में महिला की स्थिति को हमेशा पुरुष की अधीनता में स्थिति में रखा, यानी कि पुरुष के अधीन हमेशा महिला को रखा। ये किसकी वजह से? समाज की वजह से है, ठीक है। इसने कई प्रकार के आंदोलन में भाग लिया। जैसे महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाओं ने जो है कई प्रकार के आंदोलन में भाग लिया, और इन सब चीज़ों को मैं सबसे पहले उजागर किया, उनके सिद्धांत को नया जन्म दिया। और जहाँ तक महिला आंदोलन की बात है तो महिलाओं के सामाजिक जीवन में उनकी स्थिति को उन्नत करने के लिए यह लगातार जो है प्रयत्नशील रहा है, यानी कि लगातार प्रयत्न करता रहा है, जिसमें अभी तक इसे सफलता ही मिली है। जैसे हम महिला अधिकार की बात करें तो आज उसमें सफलता हमें प्राप्त हुई है। आज महिला जो है मतलब कहीं भी काम कर सकती है, आज ऑफिस में काम कर सकती है, पीएम बन सकती है, सीएम बन सकती है, कहीं पे भी। पहले यह सब चीज़ें नहीं थी, ठीक है, तो इसमें यह हमें सफलता ही प्राप्त हुई है महिलाओं को, ठीक है। भारत में लिंग संबंधी मुद्दे। भारतीय समाज में महिलाओं की अधीन एवं कमजोर स्थिति लंबे समय से बनी रही, ये पहले की बात बताई जा रही है, ठीक है, कि इतनी ज़्यादा लंबी स्थिति महिलाओं की बनी रही, कमजोर स्थिति रही महिला की, यानी कि समाज के अंदर। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व और पश्चात, यानी कि पहले और बाद में, देश में जो है सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण तथा सरकारी संस्थाओं एवं नीतियों के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा उन्हें सम्मानजनक जीवन मतलब ना सम्मान देकर उनका जीवन जीने का अधिकार प्रदान किए जाने का जो आदर्श प्रस्तुत किया गया है वह हमेशा दूर की वस्तु बना रहा, यानी कि ये चीज़ें जो है महिला को अब प्राप्त हुई हैं। पहले ये एक तरह से इसकी दूर की वस्तु बना रहा है, इसको महिला के पास आने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि पितृसत्ता समाज था, उसमें सिर्फ पुरुषों की ही चलती थी। जब कानून बनाएंगे पुरुष तो अपने हित में ही बनाएंगे, महिलाओं के हित में नहीं बनाएंगे, ऐसा पहले के लोग सोचते थे, ठीक है। आज के लोगों ने भी महिलाओं की तरफ काफ़ी कुछ लिखा है, ठीक है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, ये महिला नहीं, ये पुरुष द्वारा ही लिखा गया है, डॉक्टर तपन बिस्वाल द्वारा किताब लिखी गई है वैसे जहाँ तक है, ठीक है। महिलाओं के सशक्तिकरण और ध्यान दिया जाने लगा, ठीक है, महिलाओं के सशक्तिकरण का ध्यान खींचा गया है। साथ साथ ही कई प्रकार के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन आदि में महिलाओं ने भागीदारी करी है अपनी, यानी कि उन्होंने भाग लिया है उस चीज़ के अंदर। और साथ साथ ही ये स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में उनके हितों की अपेक्षा संभव नहीं है। हम पर्यावरण आंदोलन की बात करते, आपने चिपको आंदोलन पढ़ा होगा 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस में, वहाँ पर सिर्फ महिलाओं ने ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा पेड़ों को बचाया था, पेड़ों से वो लिपट गए थे, ठीक है, पर ये हमारा टॉपिक नहीं है। चिपको आंदोलन भी आएगा, बाद में आएगा हमारे इसमें। अब आता है हमारा नरजातीयता। नरजातीयता क्या होता है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। जैसे एक जाति नस्ल बना रखी है, ऐसे ही नरजातीयता एक नस्ल बना रखी है। नरजातीयता एक ऐसी नस्ल है जिसको मतलब भीड़ में भी पहचाना जा सकता है, ठीक है। इनको जो है जनजातियाँ भी कहा जाता है, यानी कि ये वो लोग होते हैं जो आदिमानव वगैरह होते हैं, जो जंगलों में रहा करते हैं, ठीक है, इस टाइप के लोग, इनको नरजातीयता कहा गया है। समाज की भिन्न श्रेणियों के लिए जाति, लिंग, निर्जातीयता एवं वर्ग का सिद्धांत भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है, यानी कि जैसे कि अब देखें हम, ये मतलब भिन्न भिन्न मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, अलग अलग प्रकार से इसको लागू किया जाता है, चलाया जाता है। जैसे कि हम देखें भारत में जाति व्यवस्था है, पर बाकी देशों में जाति व्यवस्था आज भी नहीं है, ठीक है, तो ये अलग अलग है, मतलब जो हमने बनाया भारत के अंदर ही है, वो बाहर देश में नहीं है, ठीक है। ऐसे ही एक समाज का सिद्धांत दूसरे सिद्धांत समाज पर लागू नहीं होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए जो है भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन में जाति की जो केंद्रीय भूमिका है वह अन्य किसी समाज में हमें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है, ये बिल्कुल स्पष्ट बता दिया गया है। ऐसे ही नरजातीयता पर जो है गिडेंस ने विचार दिए हैं अपने, इन्होंने अपना एक विचार रखा है, इसको बात करते हैं। नरजातीयता के अर्थ जो हैं सांस्कृतिक व्यवहार एवं लोगों के निश्चित समुदाय के दृष्टिकोण से है, लोगों के ऐसे नजरिए से है जो बिल्कुल एक निश्चित बताया गया है। एक तो सांस्कृतिक व्यवहार से है, दूसरा समुदाय से यानी समाज से है,
जो उन्हें दूसरों से अलग करते हैं। नर जातियां, जैसे इनको नर जातियां भी कह सकते हैं सीधे सीधे तौर पे, ठीक है। ये मैंने कैसे बताया आपको कि ये मतलब इनको अलग से पहचाना जा सकता है, इनको देखकर ही पहचाना जा सकता है ये नर जातियां के लोग हैं, ठीक है। नर जातियां को स्पष्ट करने के लिए कोई कई भिन्न लक्षण हो सकते हैं, यानी अलग अलग लक्षण हो सकते हैं, किंतु इन समय जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है भाषा, इतिहास, वंश, धर्म, वेशभूषा यानी कपड़े अथवा अलंकार इत्यादि है। इन चीजों से इनको आसानी से पहचाना जा सकता है। नर जातीयता के संदर्भ में जो है स्वाभाविक कुछ भी नहीं है, यह एक सामाजिक परिघटना है, यह भी समाज के द्वारा किया गया एक काम है, हमें भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर आता है वर्ग यानी कि क्लास। पहले वर्ग की धारणा उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। मार्क्स ने जो है पूंजीवादी प्रणाली के अंतर्गत वर्ग विभाजन, इसमें मार्क्स की जो है सबसे अच्छी बताई गई है वर्ग के अंदर में, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है वर्ग विभाजन एक तो, दूसरा है वर्ग संघर्ष, एक तो विभाजन और संघर्ष, ठीक है, वर्ग विभाजन और संघर्ष से स्पष्ट किया है। मार्क्सवादी के अनुसार जो है वर्ग से अर्थ ऐसे समूह से है जो किसी विशेष उत्पादन प्रणाली के अंतर्गत अपनी एक जैसी स्थिति के आधार पर पहचाना जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है, या तो वह उत्पादन के साधन का स्वामी होता है, यानी कि जो मालिक होता है, एक तो वो बांटा गया है, यानी कि एक अमीर वर्ग, दूसरा है गरीब वर्ग, इसमें ये जन लैंग्वेज में कह सकते हैं। यह अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए अपने श्रम पर आश्रित होता है। श्रम मतलब मेहनत, अपनी मेहनत के ऊपर आश्रित होता है, ये होता है दूसरा निम्न वर्ग, दूसरा वर्ग, ठीक है। अभी आपको मार्क्स की जो है, कार्ल मार्क्स की जो है, काफी अच्छे से समझ में आएगी। अभी एक मिनट और रुकिए, ठीक है। अभी हम बात करते हैं मार्क्स वेबर की। यहाँ पे मार्क्स वेबर दूसरे विचारक बताए गए हैं। मार्क्स वेबर ने जो है वर्ग की परिभाषा आर्थिक संबंधों के परिणाम के रूप में नहीं की है, यानी कि जैसे हम कार्ल मार्क्स की बात करें अगर यहाँ पे मार्क्सवादी विचारधारा की, तो उन्होंने पैसों से जोड़ा है इसको, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग, ठीक है, सीधा सीधा। और मार्क्स ने जो है इनको सिर्फ पैसों से नहीं जोड़ा है, बल्कि सामाजिक स्थिति, दशा एवं समानता के रूप में देखने का प्रयास किया है। ये हो गया मार्क्स वेबर का, ठीक है। फिर आता है लेनिन। लेनिन ने क्या कहा है? लेनिन ने जो है वर्ग की परिभाषा को जो है एक लोगों के एक ऐसे बड़े समूह के रूप में की है जो एक दूसरे से निम्न आधार पर अलग होते हैं, जो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, जैसे ऐतिहासिक रूप से निश्चित सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत स्थान और स्थल के आधार पर एवं उत्पादन के साधनों के साथ, ठीक है। यहाँ दोनों चीज बताई गई है, एक तो देखिए स्थल के आधार पर, हम इसमें जमीन कह सकते हैं, दूसरा उत्पादन के साधन के संबंध के आधार पर, ठीक है, दूसरा ये जोड़ दिया गया है, साथ साथ ही सामाजिक संगठन के आधार पर तीसरा ये जोड़ दिया गया है, साथ में उनकी भूमिका के आधार पर, उनकी क्या भूमिका रही है समाज में पहले, इसके आधार पर जोड़ा है, तथा सामाजिक धन अर्जित किए जाने के तत्वों के तरीके आधार पर, यानी कि समाज में उसके पास पहले कितना धन था, धन के आधार पर भी यहाँ जोड़ दिया गया है लेनिन ने, ठीक है। लेकिन वर्ग की जो मार्क्सवादी धारणा है वो मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत के विश्लेषण से और भी अधिक स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती है, यानी कि इन सबसे ज्यादा इन दोनों की अपने अपने विचार रखने के बावजूद मार्क्सवादी विचारधारा इन सबसे ज्यादा स्पष्ट है और अच्छी बताई गई है। मार्क्स की मान्यता है, यानी मार्क्सवादियों का कहना है कि आदिम व्यवस्था को छोड़कर हर युग में जो है समाज में हर दो वर्ग अस्तित्व में रहा है। आदिम व्यवस्था वो थी जब आदि मानव रहते थे, ठीक है, यानी कि मार्क्सवादी जो विचारधारा है वो सीधा सीधा ये कहती है कि जो मानव है वो दो वर्ग में हमेशा से बटा रहा है, चाहे वो कोई से भी टाइम में रहा हो। पहला वर्ग है संपत्तिशाली वर्ग, जिसके पास संपत्ति है, यानी कि वो अमीर है, बड़ा वर्ग है। और दूसरा वर्ग है संपत्तिहीन वर्ग, यानी कि जिसके पास संपत्ति नहीं है, वो गरीब है वर्ग, ठीक है। दूसरे शब्दों में अमीर वर्ग जो है, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग का हमेशा शोषण करता रहा है, यानी कि जो अमीर वर्ग है वो गरीब वर्ग का हमेशा से शोषण करता रहा है, उसके ऊपर अत्याचार करता रहा है। मार्क्स के अनुसार जो है आधुनिक औद्योगिक समाज के उद्भव से पहले भूमि तथा खेती एवं पशुपालन के उपकरण मुख्य रूप से उत्पादन के साधन थे, यानी कि अब तो ये ना वर्तमान की बात बताई, अगर हम पहले लेकर जाएं थोड़े इतिहास में जाके पीछे जाके, तो हमें देखने को मिलता है वहाँ पे औद्योगिक समाज वगैरह नहीं था, यहाँ सिर्फ उत्पादन था, जैसे भूमि के ऊपर हो गया, या खेती के ऊपर हो गया, या पशुपालन के ऊपर हो गया, ठीक है। तो ये उस समय के इनके उपकरण थे दूसरे लोगों को दबाने के, ठीक है, जिसके पास ये चीज़ थी वो अमीर वर्ग हो गया, जिसके पास नहीं थी वो गरीब वर्ग हो गया, इस तरह से, ठीक है। समाज जो है भूमिपति एवं भूमिहीन तथा स्वामी एवं दास वर्ग में बटा हुआ था पहले के टाइम में, इतिहास में। आज के टाइम में जो है यह परिवर्तित हो गए, और ये परिवर्तित किस में हुए हैं, ये जो पशुपालन है, खेती है, भूमि है, किस में हुआ, ये एक तो उद्योग में हुआ, फैक्ट्रियों में हुआ, ठीक है, इन दोनों में ही होता परिवर्तन हो गया इसका। साथ साथ ही स्वामी जो है, नहीं स्वामी मतलब मालिक,
ये पूंजीपति वर्ग बन गए, यानी पैसे वाले वर्ग बन गए, पैसे वाली क्लास बन गई, और साथ साथ ही उनमें कार्य करने लगे, उनमें जो लोग कार्य कर रहे थे, जो मजदूर वर्ग थे, उनको मजदूर वर्ग कहा जाने लगा। ठीक है, हम उसको वैसे निम्न श्रेणी का कह सकते हैं, पर यहाँ पे उनको मजदूर वर्ग कहा जाने लगा। लास्ट टॉपिक आता है हमारा विभिन्न श्रेणियों के मध्य अंतर संबंध। 20 मिनट की वीडियो हो गई है लगभग। ठीक है, समाज में महिलाओं की स्थिति एवं भूमिका का अध्ययन करना चाहें, हमें मतलब महिला के बारे में अगर हम समाज में जानना चाहें तो उनकी तमाम सामाजिक, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक पहलू, इन सबको हमें देखना होगा जो महिलाओं की स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है इसमें, लास्ट पॉइंट है, और ये पुरुष एवं महिलाओं में अंतर से शारीरिक नहीं होता, पुरुष एवं महिलाओं में अंतर सिर्फ शारीरिक नहीं होता बल्कि यह अंतर सामाजिक और सांस्कृतिक रचना का भी परिणाम है। साथ साथ ही महिला सुधार एवं महिला सशक्तिकरण आंदोलन को बल मिला। ठीक है, और साथ साथ ही सरकारी एवं गैर सरकारी तंत्र जो हैं उनमें महिला आज काम कर सकती हैं, हम देख सकते हैं। तो ये सब किसके माध्यम से हुआ, महिला को अधिकार दिए गए उन चीज़ों से हुआ। ठीक है, और महिला को आंदोलन आंदोलन भी किए हैं काफ़ी महिलाओं ने, उन सबको जोड़ के आज के टाइम में महिलाओं की स्थिति कुछ अच्छी हुई है। ठीक है, और सरकारी तंत्र के प्रयत्न से जो है महिलाओं के विकास, विशेषकर जो है युवा महिला, विशेष तौर पर युवा महिला को लिया गया है, इनके विश्वास विश्वास विकास पर बल दिया जाने लगा। महिला सशक्तिकरण के प्रयासों का ही यह परिणाम है आज के टाइम में हम जो देखते हैं। और साथ साथ ही आज अंतरजातीय विवाह होने लगा है। अंतरजातीय मतलब जैसे कि पहले कास्ट टू कास्ट विवाह करते थे, जैसे कि निचली जात के विवाह निचली जात के साथ ही कर सकते थे, ऊपर जात के साथ नहीं कर सकते थे, उच्च जात के लोगों के साथ। ठीक है, आज के टाइम में हम देखने को मिलता है कि जो उच्च जाति की लड़कियां हैं वो निम्न जातीय लड़कों के साथ विवाह कर लेती हैं, और साथ साथ ही जो निची जाति के हैं वो ऊपर जाति के साथ विवाह कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे यही स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार क्या हुआ कि इस प्रकार जाति व्यवस्था की कठोरता को कम करने की कोशिश की गई है। और बाकी चैप्टर खत्म हो गया है, आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, कुछ समझ में आया तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सेकंड वीडियो जो है आपको ऊपर लिंक में मिल जाएगी, आई बटन में या लास्ट स्क्रीन में अब तक आ गई होगी, और साथ साथ ही आप प्ले लिस्ट में विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको सारी मिल जाएंगी वीडियो। ठीक है, मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।